ये जो प्रज्वल रेवन्ना हमारी भारत देश का एक सांसद है, हासन से चुनाव लड़े हैं जेडीएस पक्ष से, आज मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ, एनडीए अलायंस है जेडीएस में और ये जो घटना घड़ी है वो पहले ही जो प्रज्वल रेवन्ना है पहले ही ऐसा आदमी है, ये महिलाओं के साथ बहुत मतलब बहुत ही बेहुदा हरकत किया है, ऐसा मतलब चरित्र ऐसा है करके पहले ही अमित शाह जी को और पहले ही कर्नाटक के जो बीजेपी के अध्यक्ष है विजेंद्र को पता था, ऐसा सीडी है, ऐसा फिल्म है, ऐसा वीडियोस है करके, क्योंकि उनके खुद के जो देवराज गौड़ा करके जो हासन का बीजेपी लीडर, खुद इन्होंने विजेंद्र को लेटर भी लिखा था और खुद जाके मिल के बात भी किए थे। और उससे ज़्यादा जब अमित शाह जी का मैसूर में टूर था तब प्रीतम गौड़ा करके बीजेपी का जो एक्स एमएलए है आरटी रामस्वामी करके, वो भी एक्स एमएलए है, दोनों जाके अमित शाह जी को ये समझाए थे ऐसा ऐसा है, आप अलायंस मत करो, उससे हमको नुकसान होगी, फ़ायदा नहीं होगी। लेकिन ये बावजूद, ये सब जानकारी उनको होने के बावजूद अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर किए, हम यही पूछना चाहते हैं, कहाँ गया आपका नारी शक्ति, कहाँ गया आपका नारी का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जगह बोलते हो, अब दूसरी जगह आपका अलायंस पार्टनर 300 लोगों के साथ है या 2000 लोगों के साथ है, आज सोशल मीडिया में इतना वायरल हो रहे हैं, इतना बेहुदा हरकत किया है। मैं कहती हूँ ये जितने भी महिलाओं के साथ ये जो अन्याय किया है प्रज्वल रेवन्ना जो आपके बगल में बैठता है सांसद होके, मैं ये बोलती हूँ ये दिस इज़ लाइक यू नो जीते जाते मरे जैसा, वो महिलाएं अब क्या करें।